तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ लोगो, और लोगो की कमांड्स पढ़ी थी हमने, चार ही पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, बैकवर्ड मतलब पीछे जाना, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड टर्टल को मूव करना, और राइट मतलब राइट साइड मूव करना। और इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ कमांड होती है होम कमांड। होम कमांड में क्या होता है, द होम कमांड विल ब्रिंग द टर्टल बैक टू द सेंटर ऑफ द ड्राइंग एरिया, द टर्टल विल ड्रॉ अ लाइन बिहाइंड वाइल कमिंग बैक। यानी आप जहाँ भी ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप होम कमांड का यूज़ करेंगे तो आपका टर्टल जो है अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। कैसे, जैसे मेरा टर्टल यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से ड्रॉ किया कुछ भी, इधर ड्रॉ किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर होम कमांड का यूज़ करती हूँ तो मेरा टर्टल वापस से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ शो होने लग जाएगा। मैं जिस भी जगह पे जाकर जो भी ड्रॉ कर रही होंगी वहाँ पे मैं अगर मैं होम कमांड का यूज़ करूँगी तो मेरा टर्टल वापस से ही अपनी जगह पर आ जाएगा। यह इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद सिक्स कमांड होती है हाइड टर्टल, जिसको हम लिखते हैं एच और टी से, एच और टी से हम उसको डिफाइन करते हैं। द एच टी कमांड इज गिवन टू हाइड द टर्टल, दिस कमांड इज नॉर्मली यूज आफ्टर यू फिनिश ड्राइंग। जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो आपने क्या करना है, एच टी कमांड का यूज़ करना है। जैसे कि आपका जो टर्टल है यहाँ पर है, आपने कुछ भी ड्रॉ किया, तो जैसे ही आप हाई टर्टल करेंगे तो वो जो टर्टल है वो गायब हो जाएगा और आपका सिर्फ ग्राफिक जो है जो आपने बनाया है वो ही शो होगा, ठीक है। तो एच टी मतलब हाई टर्टल, आपका जो टर्टल है वो हाइड हो जाएगा आपकी स्क्रीन से। उसके बाद सेवेंथ है शो कम शो टर्टल, जिसको हम डिफाइन करते हैं एस और टी से, एस टी से शो टर्टल, दोनों का फर्स्ट लेटर, इसमें भी दोनों का फर्स्ट लेटर। द एस टी कमांड इज गिवन टू शो द टर्टल इफ इट इज हिडन। अगर जैसे कि हमने यहाँ पर पीछे हाई टर्टल किया था, अब हमें दोबारा से कुछ और इसमें ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, एस टी कमांड का यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारा टर्टल है दोबारा से शो होने लग जाए। यानी कि अगर मैंने कुछ आधा ही अधूरा करा है और यहाँ पे मैंने हाई टर्टल का यूज़ कर लिया और अब मुझे दोबारा टर्टल का दिखाना है टर्टल को, तो मैं यहाँ पे एस टी कमांड का यूज़ करूँगी तो जो हमारा टर्टल है वो वापस से शो होने लग जाएगा। ये कमांड आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपका टर्टल जो है वो हाइड हो, यानी नहीं दिख रहा हो। अगर दिख रहा होगा तो शो टर्टल का यूज़ करने के क्या यूज़ करोगे आप, ठीक है ना। एट कमांड है आपका क्लियर स्क्रीन, जिसको हम डिफाइन करते हैं सी एस से। द सी एस कमांड इज़ यूज टू क्लियर द ड्राॅइंग एरिया। यानी आप भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी ड्राॅइंग बनाई है, मैं दोबारा से ही एक स्क्वायर बनाऊंगी, अगर आपने कुछ भी ड्राॅइंग बनाई है और अगर आप यहाँ पर सी एस कमांड देते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो वापस से ऐसी हो जाएगी, यानी कि आपकी जो पूरी की पूरी स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आपने कुछ गलत बना दिया, आपने कहा नहीं ये मुझे ये ग्राफिक नहीं बनाना था, ये तो गलत हो गया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर सी एस कमांड देंगे और दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जब सी एस कमांड देंगे तो आपकी जो पूरी की पूरी स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाएगी और आप दोबारा से उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारी नाइन्थ कमांड है सी टी कमांड, यानी कि क्लियर टेक्स कमांड। द क्लियर टेक्स कमांड विल बी इरेज द कमांड्स फ्रॉम द कमांड बॉक्स टू मेक इट एम्प्टी। क्या होगा, जो मैंने ये कमांड्स दी हैं, ठीक है, अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगी उसके बाद तो ये कमांड जो है वो शो हो जाएगी, और अगर मैं सी टी कमांड का यूज़ करूँगी तो ये क्या है, स्क्रीन फिर से खाली हो जाएगी और जो सारी कमांड्स मैंने दे रखी थी वो हट जाएंगी। यानी कि क्लियर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो वो टेक्स्ट हमारे जो पेज पे प्रिंट हो जाएगा, पर अगर मैं उसको सी टी कमांड का यूज़ करती हूँ तो जितना भी टेक्स्ट मैं लिख रही हूँ वो सब हाइड हो जाएगा और हमारी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर साफ हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रिंट। जैसे कि मैंने अभी भी बताया है कि अगर मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो वो जो हमारी है वो प्रिंट हो जाती है हमारे पेज पे, ठीक है। क्या है, द पी आर कमांड, इसको हम डिफाइन करते हैं पी आर से। द पी आर कमांड इज़ यूज टू प्रिंट मैसेज और डू कैलकुलेशन कमांड। इसको हम कैसे लिखेंगे, पी आर और अपना मैसेज लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए पूरा का पूरा प्रिंट लिख दिया है, आपने पूरा प्रिंट नहीं लिखना, आपने सिर्फ पी और आर ही लिखना है, और उसके बाद मैंने मैसेज में लिखा हेलो, तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी हमारे स्क्रीन पर हेलो जो है वो
प्रिंट हो जाएगा। आपने पीआर लिखना है, अपना मैसेज लिखना है, मैंने हेलो लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगी। तो आपने लिखा पीआर हेलो और एग्जीक्यूट बटन पे आपने क्लिक किया, उसके बाद जो आपकी जो स्क्रीन पर है हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका डूइंग कैलकुलेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई मैसेज लिखने की बजाय कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। टू डू अ कैलकुलेशन टाइप द पी आर कमांड एंड द कैलकुलेशन। उसमें पी आर के बाद आपने मैसेज लिखना है, इसमें पी आर के बाद डायरेक्ट आपने बिना कोई ब्रेसेस के यूज़ करे आपने उस कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पी आर 15+10 और एग्जीक्यूट कर दिया, तो यहाँ पे पहले जो प्रिंट है वो प्रिंट होकर आएगा पी आर 15+10 और जो इसका जो है सम आ जाएगा। अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहेंगे तो वो भी इसमें हो जाएगा। तो ये सभी थी हमारी लोगों की कमांड्स जो हमने आज पढ़ी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।